सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। 9th क्लास में आज हम स्केल नंबर 7 की कागज बांट सीखेंगे। इसकी लेंथ है 82 सेंटीमीटर, 82 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 40 सेंटीमीटर और हाइट है 56 सेंटीमीटर। तो इसकी लेंथ ज़्यादा है, इसलिए हमने कागज़ को लेंथ की साइड रखना है। इसमें फुट्टा यूज़ करने को हमें कहा गया है, वह 1.5 सेंटीमीटर, तो ये आप देख सकते हैं 1.5 सेंटीमीटर फुट्टा हम इसमें यूज करेंगे। तो इसकी लेंथ और ब्रेथ जोड़ के आती है 122 सेंटीमीटर। तो हमने 122 सेंटीमीटर यहाँ पे काटना है 1.5 फुट्टे से। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा है 120, तो 120 हमने काटना है यहाँ पे। और अब हमने 2 सेंटीमीटर जो है वो यहाँ से लेना है, 1-2, तो इस तरह से 122 सेंटीमीटर। उसके बाद बची हुई शीट के हमने बराबर 3 भाग करने, लेंथ की साइड हम 3 भाग करते हैं। तो यहाँ से हमने एक लाइन लगानी है इस तरह से, और इसके ऊपर हमने कोई 3 निशान लगाने हैं। अब अपनी मर्जी से कोई भी निशान लगा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ लगाता हूँ 1-2-3 इस तरह से। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे 0-1-2-3, और आपने 3 को जो है वो लास्ट पॉइंट के साथ मिलाना है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। इसी के समानांतर आपने 2 को है यहाँ मिला देते हैं, फिर 1 इस तरह से आप देख सकते हैं। और आप अब हमने इसको देखना है कि क्या हमारा ये सही है, तो 1-2-3 देखो बिल्कुल सही है। इतनी प्रकार हमने खोलनी है, और यहाँ से हम इसको एक भाग हम इसका काट देते हैं। उसके बाद हमने काटनी है इसमें लेंथ, और लेंथ मैंने आपको कितनी बताई थी, 82 सेंटीमीटर। तो आपने यहाँ से यहाँ पे हमने काटना है 82, तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा है 80 सेंटीमीटर। और हमने यहाँ से अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगाना है, फुट्टे से सही तरीके से ये 82 सेंटीमीटर। उसके बाद एक भाग हमने और काटना है, जैसे हमने 3 भाग किए थे, तो यहाँ से हमने एक भाग पहले छोड़ दिया था, फिर हमने लेंथ, फिर हमने ये हमने काट दिया दूसरा भाग। उसके बाद हम छोड़ेंगे इसमें, हम काटेंगे ब्रेथ, और ब्रेथ हमारी कितनी है बताइए शाबाश, कितनी हमारी ब्रेथ है, 40 सेंटीमीटर। थोड़ा सा ध्यान रखें आप, तो ये आप देखिए यहाँ पे 40 सेंटीमीटर है, और एक भाग हमारा वापस बच जाता है। तो बिल्कुल हमारी कागज़ बांट जो है वो सही हो रही है। यहाँ से हमने फिर एक भाग काटना है नीचे, इस तरह से हमने जैसे ऊपर एक भाग काटा था वैसे हम नीचे भी एक भाग काट देंगे। उसके बाद हमने लेनी है इसमें लेंथ 82 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम पहले 80 लेंगे, उसके बाद हम यहाँ से लेंगे 2 सेंटीमीटर और हम ले लेते हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। अब हम काटेंगे एक भाग जो हमने आगे भी काट रखा है, तो ये 2 भाग हमारे यहाँ ऐसे एडजस्ट हो जाते हैं। इसके बाद हमने काटनी है इसकी ब्रेथ, इसकी ब्रेथ है 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम काट देंगे 40 सेंटीमीटर, एक भाग हमारा बच जाएगा। तो यहाँ से हमने हल्की लाइनें लगानी है पहले, इस तरह से, आप देख सकते हैं इसके बाद हमने हाइट की साइड में हाइट और ब्रेथ जोड़ के काटना है। तो ये हमारा है 96 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हमने लेना है 95 और 1 सेंटीमीटर हम इसमें और ले लेते हैं यहाँ पे
ये हमारा आ गया 96। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमने एक तिरछी लाइन लगानी है, न्यून कोण हमने यहाँ पे बनाना इस तरह से, और इसके ऊपर हमने पांच निशान लगाने हैं इस लाइन पे, यहाँ से एक दो तीन चार पांच, इसमें हम यहाँ लिख देते हैं 0 1 2 3 4 5। अब हमने पांच को जो है वो लास्ट पॉइंट के साथ हमने मिला देना है यहाँ पे इस तरह से, और इसी के समानांतर हमने आगे रेखा लगानी है, ये हमारी आएगी 4 से 3 2 और 1। अब हमने दो भाग जितने हमारे है उतनी प्रकार खोलने हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये कोई से भी आप दो भाग ले सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई से भी, ये देखो बिल्कुल यहाँ से हमने ऊपर से हमने दो भाग काटने हैं। तो हम काटेंगे इसमें, इसकी हाइट है 56 सेंटीमीटर, यहाँ से 50, 55 और 1, ये आप देख सकते हैं 55 और 1 56, इस तरह से ये हमारा आ गया है। अब हमने काटना है एक भाग, तो हम यहाँ से एक भाग जितने प्रकार खोलेंगे, देख सकते हैं यहां से हम निशान लगा देंगे, और हम काटेंगे इसमें ब्रेड्थ, और ब्रेड्थ इसकी है 40 सेंटीमीटर, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 पे 40 सेंटीमीटर हमारा है, इसका मतलब कि हमारे कागज बाट से ये दो भाग हमारे बच जाएंगे। अब हमने क्या करना है, जो दो भाग हमने यहाँ पे छोड़ रखे हैं इतनी प्रकार खोल के, हमने इस साइड भी इसमें निशान लगा देना है इस तरह से, और अब हम काटेंगे इसमें इसकी हाइट जो हमारी है 56 सेंटीमीटर, तो यहाँ से ये 55 और 1 56 सेंटीमीटर। अब हम लेंगे एक भाग जितना हमने यहाँ पे ले रखा है, हम यहाँ देख सकते हैं इस तरह से, और अब हम काटेंगे इसमें इसकी ब्रेड्थ जो हमारी है 40 सेंटीमीटर, यहाँ से ये हमारा है 40 सेंटीमीटर। अब जो हमारी शीट बच गई है, ये हमारे बचते हैं दो भाग पीछे, अब हमने यहाँ पे इसको मिलाना है यहाँ पे, ये हमारी लेंथ जो है और ये हमारी ब्रेड्थ है, तो इसमें एलिवेशन और साइड बनेगी हमारी, यहाँ हम थोड़ी सी लाइन आगे लगा देंगे इसकी हाइट लिखने के लिए। ये जो हम दूसरी लाइन लगाते हैं, ये हमारी लाइन आएगी पूरी, थोड़ी थोड़ी सी जगह हम बचा देंगे, बाकी हमारी लाइन पूरी आएगी, और ये जो दूसरी लाइन हमारी है, तीसरी जो हमारी लाइन है, ये हम सिर्फ यहीं बीच में लगाएंगे इस तरह से, और थोड़ी सी हम इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे, यहाँ पे लास्ट लाइन हमारी है, ये हमारी लास्ट लाइन है, यहाँ पे हम ये लाइन लगाएंगे, यहाँ हम हल्की लगाएंगे, और यहाँ पे हम सिर्फ निशान लगाएंगे, क्योंकि इस लाइन की हमें आगे ज़रूरत नहीं है और हमें मिटानी होती है, तो हम यहाँ से तिरछी लाइन ज़रूर लगा देंगे यहाँ पे, एक इसमें इस वर्ग को हम यहाँ पे आधा ऐसे काट देंगे, और हमने फीकी लाइनों को डार्क कर देना है, और एक्स्ट्रा लाइनों को हम इसमें से मिटा दें। अब हम इसमें लिखेंगे हाइट और इसकी ब्रेड्थ और लेंथ, यहाँ पे हमने लाइन लगानी है, यहाँ पे हम लाइन लगाएंगे, और यहाँ नीचे हम इसमें लाइन लगा देंगे, इस तरह से यहाँ हम इसमें तीर का निशान बना देंगे, और यहाँ हम इसकी हाइट लिखेंगे, इसकी हाइट है 56 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेड्थ है
40 सेंटीमीटर, इसकी जो लेंथ है वो है 82 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम इसमें लिखेंगे एलिवेशन, यहां हम लिखेंगे साइट, यहां हम लिखेंगे इसका प्लान, और यहां लिखेंगे प्रोजेक्शन। ये हमारी एक्स वाई लाइन है, तो हम यहां एक्स वाई लिख देंगे, या हम इसमें स्केल नंबर लिखेंगे। स्केल नंबर जो हमने यूज किया है 1.5 सेंटीमीटर, और यहाँ हमने स्केल कार्ड ये बनाना है 1.5 सेंटीमीटर इस तरह से, और इस तरह से आपकी ये स्केल जो है वो बन के तैयार हो गई है। इस तरह आपने भी इसको सफाई से बनाना है। इसकी सॉल्व की हुई जो स्केल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से सॉल्व की स्केल को देख सकते हैं। इसी तरह से आपने अपने सिलेबस को देखना है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और SOS के जो बच्चे हैं वो खासकर इस लिंक से जुड़े, इस चैनल से जुड़े, ताकि वो ड्राइंग को आसानी से पढ़ सके और अच्छे मार्क्स से पास हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल ड्राइंग स्टडी।